नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस टाइम की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि गूगल मैप ने LOC और LIC को मैप से हटा दिया है और पूरे POK को अब भारत का हिस्सा दिखा दिया है। पूरा देश कोरोना वायरस महामारी में उलझा है और लॉकडाउन के साए में है, लेकिन दिल्ली से करीब 829 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से हलचल मची हुई है। हलचल का ताज़ा उदाहरण है गूगल मैप, जिसने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK को भारत में मिला दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नक्शे से लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LIC भी हटा दिया गया है। यह ताज़ा घटना उस समय हुई है जब खबरें आई कि दूरदर्शन आने वाले न्यूज़ बुलेटिन में अब POK और गिलगित बाल्टिस्तान का मौसम भी बताया जाएगा। पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष संदेश, गूगल मैप की भारत के नक्शे वाली तस्वीर तेज़ी से ट्विटर पर वायरल हो रही है। अभी तक इस पर न तो गूगल की तरफ से कोई बयान आया है और न ही सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञों ने कोई टिप्पणी की है और न भारत सरकार की कोई प्रतिक्रिया आई है। नए नक्शे की तो तस्वीर ट्विटर पर शेयर हो रही है, उसमें कश्मीर के तहत आने वाले उन तमाम हिस्सों को भारतीय सीमा में दिखाया गया है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। इसमें POK समेत वह नॉर्दर्न एरियाज भी शामिल हैं जिन्हें पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान का नाम दिया है। न सिर्फ पाकिस्तान से लगी सीमा बल्कि चीन से सटी LIC, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख आते हैं, नई तस्वीरों में वह भी भारत का हिस्सा नजर आ रहे हैं। रक्षा मामलों के जुड़े सूत्रों की तरफ से बताया गया है कि यह सच है कि गूगल मैप ने बदलाव किया है। इससे ज़मीनी हालात नहीं बदलेंगे, मगर एक अप्रत्यक्ष संदेश जाएगा। एक हफ्ते से जारी POK पर हलचल। पिछले एक हफ्ते से POK और गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर काफ़ी हलचलें हैं। 4 मई को विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के राजनयिक को डेमार्क्स जारी किया था। इसमें पाकिस्तान की तरफ से पाक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया गई थी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि साल 2018 में आए प्रस्ताव के तहत गिलगित बाल्टिस्तान में तुरंत चुनाव कराए जाने चाहिए। इस आदेश के बाद भारत ने पाक को चेताया कि उसे तुरंत गिलगित को खाली कर देना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरा क्षेत्र, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा भी आता है, वह भारत का आंतरिक भाग है। साल 2009 में पाकिस्तान की सरकार ने नॉर्दर्न एरियाज का नाम बदलकर गिलगित बाल्टिस्तान कर दिया था। अब इसके इतिहास में जानते हैं कि ये कैसा था। अंग्रेज़ों ने लिया हुआ था लीज पर, अंग्रेज़ों ने इसको लीज पर लिया हुआ था। पाकिस्तान ने साल 1947 में हुए बंटवारे के बाद उसी वर्ष अक्टूबर में भारत पर पहला हमला किया। इस दौरान उसने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया, जिन्हें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK के नाम से जाना गया, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान को सन 1935 से अंग्रेज़ों ने जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह से लीज पर ले रखा था। उनका मकसद यहाँ की ऊंची पहाड़ियों से आसपास के पूरे इलाकों पर नज़र रखना था। नज़र रखने का जिम्मा गिलगित स्काउट्स नाम की एक सेना के पास था। बंटवारे के बाद अंग्रेज भारत से चले गए और लीज खत्म करके यह इलाका महाराजा को लौटा दिया गया। राजा ने तब ब्रिगेडियर घनसार सिंह को यहाँ का गवर्नर बना दिया। महाराज को गिलगित स्काउट्स के जवान भी मिले जिनके अफसर ब्रिटिश थे। पाकिस्तान कमांडर ने इस पर कब्जा कर लिया। इतिहास के मुताबिक उस समय मेजर W. Brown और कैप्टन A.S. Mathieson महाराज के हिस्से में आई सेना के अफसर थे। 1947 में जब पाकिस्तान की सेना ने कबायली लोगों की आड़ में जम्मू कश्मीर पर हमला किया, महाराजा ने अपना राज्य भारत में मिला दिया। जंग के बाद 31 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत हुए महाराजा हरि सिंह ने तो इस इलाके का भारत में मिला दिया, मगर उनके इस कदम के बाद गिलगित बाल्टिस्तान में स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने विद्रोह कर दिया। कर्नल खान ने 2 नवंबर 1947 को गिलगित बाल्टिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर दिया। 21 दिनों तक इसकी यही स्थिति बनी रही। 21 दिन बाद पाकिस्तान इस क्षेत्र में दाखिल हुआ और उसने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, यही है POK का इतिहास। और अब तो एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि गूगल मैप भी अब LOC और LIC को हटा करके पूरे POK को अब भारत में शामिल कर दिया है। भारत और भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द POK अपना हो जाए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। थैंक यू।